हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग A50 का कॉम्बो रिप्लेसमेंट का एक वीडियो। ये वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में एकदम रिव्यू किया है दोस्तों, ताकि आपको समझने में एकदम आसानी हो और आप एकदम सावधानपूर्वक अपने कॉम्बो को लगा सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक पैनल निकाल लेना है इजिली, जो आज के टाइम से कर लेते हैं, और इतना सावधानीपूर्वक निकालना कि आपका कोई बैटरी का स्ट्रिप ना कटे, किसी तरह की कोई पट्टी ना कटे। तो इसका फ्रेम पूरा, ये जो मैंने डिस्प्ले लिया है पूरा फ्रेम के सहायता है, तो आपको पूरा कॉम्बो जो भी है इसके जो पार्ट्स है ऊपर के, जैसे लाइक बैटरी हो गया, सब बोर्ड हो गया, अपना मेन बोर्ड हो गया, ये सब आपको निकाल के वहाँ पे इजीली लगा देना है। तो ध्यान रहे कि आपको किस तरह से लगाना है, कैसे क्या करना है, एक एक पार्ट्स को मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ। तो आप देख सकते हो वीडियो में मैंने सारे बोर्ड के स्क्रू वगैरह सब निकाल लिए हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बैटरी वगैरह कुछ ऐसा जिधर चिपका हो कोई भी अपना पार्ट्स, वहाँ पे आप 530 का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे निकालने में एकदम इजी हो जाएगा। तो मैंने बोर्ड निकाल लिया इसका, ठीक है। अब भी बोर्ड में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लाइक अपना स्पीकर, रिंगर, वाइब्रेशन, सब आपको निकालने हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर 530 का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो भी इसके नीचे ब्लू है वगैरह है वो सब हट जाए और अपना बैटरी एकदम आसानी से निकल जाए। आप हमेशा बैटरी निकालते समय ऐसी चपटी चीज़ों का यूज़ करें, कुछ धारदार चीज़ों का यूज़ ना करें, जिससे बैटरी डैमेज हो सकती है। आपको ये सब निकालने हैं पार्ट्स और उसमें इजिली रिमूव करके लगा देने हैं। ये हमारा सबसे पहले हो गया इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें कॉपी डिस्प्ले लगा रहे तो फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं करेगा, तो उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। ये मैंने सारे स्क्रू वापस लगा दिए, फ्रेम चेंज कर दी मैंने, क्योंकि हमारा डिस्प्ले विद फ्रेम था। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम हमारे सारे पार्ट्स इस पे लगाएंगे। ये नेटवर्क एंटीना, ये इसके डिस्प्ले की और मेन सब बोर्ड से मेन बोर्ड की स्ट्रिप। पहले हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी को अच्छी तरह से लगा इसके पिन में स्विच कर देंगे। देने पट्टी लगाएंगे जो कि मेन बोर्ड से होते हुए सब बोर्ड पे जाएगी, डिस्प्ले में अटैच होगी। याद रहे जब भी आप पिन जो भी स्ट्रिप आप लगाए वहां पे पहले ब्रश से एकदम क्लीन कर ले अच्छे से, उसके बाद ही पिन लगाएं। अब इसका हमको मेन ऊपर का फ्रेम लगाना है जो इस प्रकार की लगेगी। नीचे कभी भी आप बबल ठेली या कुछ ऐसा रखें जो डिस्प्ले को डैमेज ना करे, क्योंकि कॉपी डिस्प्ले इनका कोई वो मतलब कुछ कर नहीं सकते, हल्का सा भी किधर नीचे कुछ रहा तो डिस्प्ले आपका सीधा हमें टूट जाएगा। तो ये मैंने कर लिया डिस्प्ले को पैक, एक बार वापस खोलते हैं इसको, क्योंकि मैंने इसके अंदर के जो बटन से वो एक बार ऑन कर लेते हैं पहले इसको। ऑन हो नहीं रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम, या तो बैटरी डेड है पूरा। एक बार वापिस हम उसको पूरा ओपन करेंगे, ठीक। या तो डिस्प्ले में इशू है या तो हमारे सब बोर्ड में इशू, ये इसमें सब बोर्ड की जो पट्टी है उसमें इशू है, बराबर से कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कॉपी डिस्प्ले में दोस्तों ये सब का प्रॉब्लम आता ही है, तो हमको एकदम अच्छी तरह से चेक करके लगाना चाहिए। वीडियो बनाने से पहले मैं एक बार डिस्प्ले चेक कर चुका था मार्केट से लाने से पहले, तब तो बराबर चल रहा था, यहाँ पे आके ये नहीं चल रहा है। तो ऐसी गलती आप ना करें, आप पहले डिस्प्ले को प्रॉपर चेक करें फिर उसके बाद लगाएं।
क्योंकि एक बार अगर ऊपर का स्टिकर हट गया तो आपकी वारंटी हट जाती है, दुकानदार जो भी होलसेलर है वो आपका डिस्प्ले रिटर्न नहीं लेगा और पूरे के पूरे पैसे आपके जेब से चले जाएंगे, वो चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हमारा फ़ोन फाइनली स्टार्ट हो गया, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल कर दे ताकि हम जो भी मोबाइल से रिलेटेड वीडियो डालें आप तक एकदम जरूर पहुँचे। देखिए सैमसंग का लोगो आ गया है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।